कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई दो चार्जेस है, उसका हमने पोजिशन वैक्टर ले लिया. सपोज करो कि एक एक चार्ज ए हमने यहाँ बनाया है, सपोज एक पॉइंट चार्ज ए पे है और दूसरा पॉइंट चार्ज बी पे. ओके, अगर हम इसको एक फ्रेम में एक्स वाई एक्सिस बना करके देखेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो सपोज करो अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है, अगर हमने उसको एक वेक्टर से बनाया, सपोज करो ये एक वेक्टर हो गया, हमने वेक्टर आर वन ले लिया. क्या है, पॉइंट चार्ज जो ए पे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर आर वन ले लिया. दूसरा चार्ज यहाँ रखा है तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर आर टू ले लिया. अब ये दोनों वेक्टर से हमने दिखा दिया. ओके, तो अगर सपोज करो कि पॉइंट ए पे एक चार्ज क्यू है और बी पे भी पॉइंट चार्ज ए और बी दोनों जगह पे सेम चार्ज है ए क्यू और क्यू. ओके, और अब हम लोगों को उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, बेसिकली हमको सिर्फ पोजीशन मालूम है कि ओरिजिन से सर्टेन एंगल पे एक चार्ज रखा है, ओरिजिन से दिस डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा है. इसमें दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया. पोजीशन वेक्टर आप पढ़ चुके हो पहले. अगर हम किसी फ्रेम से बताएं कि ये कितने एंगल पे या कितनी डिस्टेंस पे है, वो पोजीशन वेक्टर के अनुसार. तो अगर हम सपोज करो कि ओ ए एक वेक्टर हो गया, ओ बी दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, तो हमको अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो वो ए से बी होगा या बी से ए होगा. तो अगर हम ऐसा बनाते हैं, सपोज करो ए से बी तक, तो ये एक ट्रायंगल बन गया. ओके, और सपोज इसका वैल्यू हमने आर ले लिया. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड वाइज आर है. तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर आर वन, वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू आर टू. तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पढ़े हो, किसी ट्रायंगल में टू कंजुकेटिव साइड्स का सम तीसरे के बराबर होता है. अब सपोज करो ये साइड प्लस ये साइड बढ़ेंगे तो हमको ये साइड के बराबर मिलेगा. मतलब कि अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ध्यान दें ओ ए का डायरेक्शन इस तरफ है, ए बी का डायरेक्शन हमने इधर लिया, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी. और अगर हम ओ ए का वैल्यू लिखे तो ये है हमारे पास वेक्टर आर वन प्लस ए बी का वैल्यू वेक्टर आर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर आर टू. तो अगर वेक्टर आर को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर आर टू माइनस आर वन. ओके, मतलब हमको जो वेक्टर आर चाहिए वो इतना आ गया. इसको एक और लिखने का तरीका है, आप रिलेटिव वेलोसिटीज वगैरह में पढ़े हो, अगर आर इस तरह का वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर आर टू वन इक्वल टू आर टू माइनस आर वन. आप याद करो, आपने पढ़ा होगा बी ए बी वेक्टर बी ए बी इक्वल टू वेक्टर बी ए माइनस बी बी, सेम पैटर्न पे है. तो हमको जो आर का वैल्यू होता है वो हमको यहाँ पे मिल गया. ओके, आप ये नोट करो, अगर हमको दो चार्जेस है, सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है. हमने जो पॉइंट दिखाया था यहाँ पे, एक चार्ज इस जगह पे है और दूसरा चार्ज इस जगह पे है, वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है. तो हमने कैसा पढ़ा था लास्ट में, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो अब आप सोचो कि अगर ए पे जो चार्ज है और बी पे जो चार्ज है, इन दोनों में रिपल्सन का रिलेशनशिप होगा. मतलब अगर ए है तो वो बी को किधर फोर्स लगाएगा,
अवे फ्रॉम इट, तो B पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A, और A पे जो फोर्स लगेगा A पे, हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी फोर्स ऑन A ड्यू टू B. ओके, सो जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था, अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज सी क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही मिला था. बट अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो फोर्स ऐसा लिखेंगे, और साथ में बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, तो डायरेक्शन को आप दिखा सकते हैं. अगर हम इसको ऐसा लिखे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, दिस विल बी सी फर्स्ट चार्ज, हियर इट इज रिटन क्यू वन क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हमने ऐसा ही लिखा. ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमको क्या चाहिए, साथ में डायरेक्शन. तो हम डायरेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. तो यहां पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, तो फोर्स जो ए पे लगेगा वो बी के कारण, बी के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग अलोंग बी ए, अलोंग बी ए डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो बी से स्टार्ट होकर के ए की तरफ. तो आप थोड़ा सा देख लो इसको, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी कैन बी रिटन एज सी क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड देन देयर इज अ यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, वेक्टर किस डायरेक्शन में. अगर हमने फोर्स एक्टिंग ऑन ए निकालना है हमें, तो इस डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर बी से स्टार्ट होगा, बी ए इस डायरेक्शन में, और अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो डिवाइडेड बाय बी ए, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू बी ए. बी से ए अगर हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जैसा हमने यहाँ लास्ट में लिखा था आर वन टू, मतलब था आर वन माइनस आर टू. अगर आर बी ए है, R यहाँ हमको चाहिए किधर, B A, तो ये हो जाएगा वेक्टर R B माइनस R A, या फिर हम इसको R B पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B क्या लिखेंगे, इसको R2 माइनस R1, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको शॉर्टकट में हम ऐसा लिख सकते हैं R21, दिस इज R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एक आर हो जाएगा. यहां से यहां तक के मैग्नीट्यूड को हमने आर लिखा है, तो हमारे पास कैसा आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, और यहां पे लिखा जाएगा वेक्टर आर टू वन. इसमें ये ध्यान रखना है, अगर वन टू करके ए और बी के जगह पे हम लोग अगर इसको पॉइंट वन माना है और इसको पॉइंट टू माना है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू इंटू आर टू वन. इसमें ये माइंड करने की चीज है, यहां जो होगा फोर्स में जो होगा पोजिशन वेक्टर में उसका रिवर्स होगा, उल्टा साइड का होगा. ऐसा ही अगर आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए. अब देखो बी पे जो लगने वाला फोर्स है ए के कारण ए इसको इस साइड में रिपेल करेगा, तो एफ बी ए विल बी सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड आर ए बी.
या 1 2 आप लिख सकते हो, ये भी एक हो गया। दिस इज सी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर 1 2। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा जो हमको हमेशा ध्यान में रखना है।